हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगी द ओनली देसी रिविजिट्स वीकेंड से बाय ओनली देसी। तो बहुत ज्यादा बढ़िया मजा आने वाला है। और ये मे बी मुझसे दोस्ती करने के चैनल पर नहीं आई, इट इज ऑन सम अदर चैनल। तो मतलब ये मे बी गॉट डिलीटेड, मतलब डिलीट मे बी इट गॉट प्राइवेटेड बाय ओनली देसी। लेकिन आई जस्ट वॉन्टेड टू सी कि मुझसे दोस्ती करोगी वीडियो बाय ओनली रिव्यूज। एक्चुअली इनका पहले दो नाम था, तो चैनल का द लॉल रिव्यूज था। उसके बाद उन्होंने चेंज किया बाय ओनली देसी। लेकिन कोई भी नाम हो यार, द कॉन्टेंट इज द सेम एंड वी ऑल लव रिविजिट्स ऑफ ओनली देसी। इतना ज़्यादा बढ़िया मजा आता है। एंड ऑल्सो बड़े दिनों बाद हम देख रहे हैं द ओनली देसी का रिविजिट कोई। और ये वाला मूवी है मुझसे दोस्ती करोगी, तो पहली बार तो प्रीटी मच एक्साइटेड मुझसे दोस्ती करोगी। शायद ये मूवी मैंने देखा है ना, इतना ज़्यादा याद नहीं आ रहा। अगर देखा हो और ये वाला देखा हो, मतलब देखने जाऊंगी मैं, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया मज़ा आएगा। तो ये रिविजिट बाय ओनली देसी, हाउ इज इट गोइंग टू बी? चलिए देखते हैं। बाय यशराज फिल्म्स, जिनकी मूवी राज, लंदन, प्रिंगल्स और उदय चोपड़ा के अपीयरेंस के बिना नहीं बनती। अ मूवी दैट गिव्स यू अ रियली वैल्यूएबल लेसन। बेटा कितना भी अच्छा ईमेल मैसेज कर लो, एंड में वो चोदू फेस भी ही जाएगा। तुम ही टीना होगी, राइट? अ मूवी जिसे देखने के बाद सबने सोचा, यार अगर यहाँ पे राज का राइट हैंड होता तो नीचे भी 6 कैंडल्स होते नहीं? ओके लोल, मुझसे दोस्ती करोगे? अ मूवी जिसकी स्टोरी सुनने के बाद ससुराल सिमर का वैसे उतना बुरा भी नहीं लगेगा। I mean seriously, so a guy fall in love with a girl just by exchanging emails, come back home and totally don't recognize the person he's been talking to. मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान जाऊंगा। And then fall in love with someone else, और ये झंडू को भी एक वीक में ही। ये प्यार तो नहीं हो सकता ना? Bitch, you just met him yesterday. फिर एक दिन पूजा does this. Bullshit in church and now he doesn't love that old chick anymore. But it's too late, so Pooja decides to marry some random guy just so Raj marry Tina. And then Tina is like, oh, Raj loves Pooja because he accidentally dropped some sindoor on Pooja's head. Oh, ye wala se, acha. Okay. God's plan. God's plan. Yeah. I hold back some. वैसे वो सांप वाला एपिसोड उतना बुरा नहीं था. A love triangle where Raj loves Tina's face, Tina loves her overacting, and Pooja loves fake email user ID. Meet Khanna family, जो इंडिया से obviously लंदन मूव हो रही है। फिर भी बात पैसों की नहीं है। बात पैसे की नहीं है अर्जुन, बात है .com की। What the fuck does that even mean? Khanna family एक बहुत ही rich family है। लेकिन फिर भी cornflakes के साथ इतना दूध कौन लेता है भाई? Meet Raj. Raj आपका वो दोस्त है जो abroad जाके बोलता है, मैं तो लंदन में ऐसे करता हूँ, मैं तो लंदन में वैसे करता हूँ। Dear Tina, लंदन इतना बड़ा शहर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, यहाँ का बिग बेन शिमला के क्लॉक टावर से भी बड़ा है। हमारा घर हैम्स्टेड में, यहाँ के हम पहले इंडियन फैमिली हैं। यहाँ गोभी के पराठे मिलते हैं जो हमारी इटालियन शेफ मामी के ट्रेनिंग के अंडर बनाती है। अच्छा, लंदन में गुड नाइट ऐसे नहीं करते। And apparently he thinks white people should sing Indian classical music in church. Can you imagine him in there? Jesus Christ. He's been emailing Pooja for 15 years. Kabhi nudes nahi manga? Ye kaun bola? Lekin 15 years mein bhi wo kabhi Tina ko call nahi karega. Well, jo family cornflakes ke sath itna doodh le, wo ISD call kahan karegi? Of course. Dekhiye kis tarah Raj Tina se 2 week ke liye milta hai. Lekin phir bhi ye nahi samajh pata ki isko to aaj bhi email karna nahi aata hoga. Tina is so stupid that she heal faster than that tararara dude fixes people's kidney. Fiance kisi aur ke sath akele room mein hai. Pooja itni der se main healed. Fiance किसी और के लिए गाने गा रहा है. Healed. Fiance किसी और के साथ डांस कर रहा है. Healed. गलती से सिंदूर गिर गया. इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होगा. But star of the movie is Pooja. Pooja is the reason जिसके कारण आज भी ऋतिक रोशन के किसी की भी ईमेल आने से बहुत फटती है. नहीं, आपने वो मेल इकट्ठे किए, आपने उनकी फाइल बनाई, फिर आपने इन मेल्स के लिए इंडिया का बेस्ट क्रिमिनल लॉयर हायर किया। पूजा लव्स राज, लेकिन राज का फ्रेंड जोन गेम बचपन से ही बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, मेरे पास तो कंप्यूटर भी नहीं है। अरे हाँ, तुम्हारे पास तो कंप्यूटर भी नहीं है। एक्सेलेंट, मैं पूजा के कंप्यूटर पे ईमेल भेजा करूंगा। पूजा, तुम मेरी कितनी
इतने पर कैसे लगेगा? But then he started loving Pooja, and Raj gives her his mom's kangan. What is going on? ये हमारे खानदानी कंगन. But then Tina's dad dies. लेकिन call करने के बजाय family बोलती है चलो surprise देते हैं. और अब बाप मर गया तो कभी खुशी कभी गम के रूल के हिसाब से शादी तो टीना से करना पड़ेगा. एंड देन पूजा इज लाइक राज की माँ की चूड़ी. लेकिन राज टीना से शादी एक बहुत ही मैच्योर और वैलिड कंडीशन पे करेगा. एंड इट्स कॉल्ड तू करना फिर मैं करूंगा. जरूर करूंगा. ओके सिर्फ उस दिन जिस दिन तुम किसी और से शादी करो. किसी और से शादी. एंड देन पूजा एंड राज ट्राई टू गिव देयर फैमिली दुनिया भर के क्लूज अबाउट देयर रिलेशनशिप. बट एवरीवन इग्नोर्स इट जस्ट लाइक दे ऑल इग्नोर्ड रोहन एट द एंड ऑफ दिस मूवी. No. And God is like, all right, fine. I guess I'll have to do something. Okay, okay. I don't know what to do. Moral of the story: Church gaye to fasoge, mandir gaye to fasaoge. Damn, this movie is racist. Starring electric guitars with no plug-in. Tina, kyun to kabhi Raj pe shak Kareena. Song where everyone talk about Pooja's dark skin. Right amount of milk for cornflakes. Kangana teri nahi. Pringles. Okay. And fake audience. Just like your accent. Bitch. Okay. I just totally love this revisit. ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया पसंद आया यार. मुझसे दोस्ती करोगी ये वाला मूवी मैंने एक्चुअली देखा हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा पूरा दिमाग में नहीं है. लेकिन जब ये रिविजिट थोड़ा देख रही थी तो भैया मैं फिर से कन्फ्यूजन में हूँ अभी. मतलब किसके बाद हुआ क्या है. लेकिन द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस द ओनली दिस मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक ऑब्जर्वेशन है द प्रिंगल्स का जो रोने का एंड ऑल दैट थिंग्स. ओ माई गॉड. एंड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ शाहरुख का कौन सा मूवी कुछ कुछ होता है नहीं यार बोले कभी खुशी कभी. हाँ अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ दैट अगर मतलब कोई मर जाए तो फैमिली में दोनों के जो बेटी है तो उसके साथ बिल्कुल करनी पड़े. अरे लेकिन सच में बोलूँ यार ये वाला जो है फुल ऑन कन्फ्यूजन लेकिन इतना ज़्यादा बढ़िया मजा आया ना इसमें. आई जस्ट टोटली लव दिस. आई डोंट मतलब डिलीट क्योंकि कुछ रीजन की वजह से इनके मेन चैनल पर से डिलीट हो गया होगा लेकिन आई मस्ट से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिविजिट एवर आफ्टर द विवाह. तो दैट इज इट फॉर टुडे. अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना. नीचे कॉमेंट करके बताना कि कैसा लगा. और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो. इस वीडियो को शेयर कर दो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना. और मेरे इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया. प्लीज़ फॉलो दैट टू. थैंक यू.